देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी कैप को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक सिंपल पट्टी तैयार करनी है। पट्टी कैसे तैयार करनी है वो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। पट्टी सिंपल तैयार करनी थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको बनाते समय नहीं दिखाया, लेकिन आप लोग को मैं समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 3 प्लाई का ऊन मैंने ग्रीन और रेड कलर के लिए 3 तार वाली ऊन ली है। और यहाँ पे 9 नंबर की मैंने सलाई यूज की है। और यहाँ पे जो मैंने फंदे लिए हैं वो 25 फंदे, 25 फंदे लेने के बाद 1 2 3 4, यानी ये हमने 4 4 लाइन की, सॉरी यहाँ पे 3 लाइन रेड की रखी है, फिर 3 लाइन ग्रीन की, 3 रेड 3 ग्रीन, ऐसे ही करके हमने 1 2 3 4 5 6, टोटल हमने ये रेड कलर की 6 लाइन रखी है, 1 2 3 4 5, और 5 लाइन हमने ये ग्रीन की रखी हुई है। 3 प्लाई की ऊल है, 25 फंदे डाले हैं। अगर आप लोग नॉर्मल ऊल से बना रहे हैं, वर्धमान का या कोई भी सिंपल ऊन जो आप बना रहे हैं बेबी ऊल से, तो आप 28 फंदे रखेंगे। और यहाँ पे ये धारी आप 4 4 बना देंगे, क्योंकि 3 प्लाई की ऊल थोड़ी मोटी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 3 लाइन की रखी है, 3 दूनी 6, यानी 6 उल्टे सीधे की मिला के 6 लाइन। ऐसे आपको माप के हम बता देते हैं, 4 8 अंगुल, फिर 8, 8 4 12, 4 तो नहीं है, 12 और 3, ठीक है 15 अंगुल है टोटल। ये हमारा 15 अंगुल है, इतनी इसकी लंबाई। या तो आप अपने बच्चे का, कैसे हम बताएं फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए बच्चे का सर है, आपने बच्चे का सर लेके ऐसे आप ऐसे माप सकते हैं, ठीक उस हिसाब से ये बच्चे के सर के आगे का पार्ट रहेगा, और यहाँ पे जो बनेगा वो साइड का। तो चलिए, इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पूछिएगा। अब हम इतना तो आपने सिंपल तैयार कर लेना है फ्रेंड्स, आप चाहें तो सिंगल कलर का भी बना सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी चैन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जितना भी चैन है सब में हमने एक एक फंदे उठाते हुए लास्ट यहाँ तक आना है। तो हम यहाँ पे रेड कलर से फंदे उठाएंगे, क्योंकि लास्ट में हमने यहाँ पे उतार के रेड कलर से उतारा है। तो यहाँ पे हम एक एक करके रेड कलर से फंदे उठाएंगे। ऐसे देखिए हमने फंदे को उठाते हुए लास्ट तक जाना है। ये देखिए, तो चलिए हम यहाँ तक फंदे उठा लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टोटल 44 फंदे उठाए हैं, ठीक है हर एक चैन में। तो यहाँ पे हमने 44 फंदे उठा लिए हैं, और पीछे की साइड से सभी फंदे को हमने यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, 44 फंदे हैं तो देखिए बीच में हमने, सॉरी एक साइड हमने 20 फंदे रखने हैं, एक साइड 20, और बीच में जो 4 फंदे हैं उनको हमने घटाना है। तो कैसे घटाना है चलिए देखते हैं, अच्छे से देखिएगा, आप लोग एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले तो हम यहाँ पे 20 फंदे उल्टा उल्टा बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जोड़े यानी 10 दूनी 20, 20 हमने फंदे यहाँ पे बना लिए। अब देखिए यहाँ पे 4 फंदे हैं, तो देखिए 2 फंदे को हम एक साथ बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 फंदे को हमने एक साथ बनाया बीच के, फिर 2 फंदे को हम एक साथ बनाएंगे, यानी यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम हो गए, बाकी के फंदे को हम नॉर्मल बनाएंगे। और पीछे की साइड से सभी फंदे को हमने उल्टा उल्टा बनाना है। अब देखिए इसको हम
सभी फंदे को बना लेंगे और पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाकर फिर हम आगे की साइड आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की साइड आ गए हैं। तो अब आपने कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 16 17 18 19। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पहले 20 फंदे बनाए थे, अब 19 फंदे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो ये हमने 2 का 1 किया है, ध्यान से देखिएगा, इसमें ऊन में बहुत ब्राइटनेस होती है इसलिए समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आप लोग को काउंट करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो 2 फंदे का 1 किया था ये है, और 1 फंदे हम इस वाली सिलाई का ले लेंगे और यहाँ पे फिर 2 का 1 कर देंगे। बस ऐसे ही आपने करना है कि एक एक फंदे हमने इस सिलाई से लेते हुए जाना है और इधर का तो है। अब देखिए, ये जो 1 फंदा है उसका हमने 2 का 1 किया था और 1 फंदा हम इस साइड की सिलाई से ले लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे बाकी के फंदे को हम सादा सादा बनाएंगे, उल्टा उल्टा दोनों साइड से ऐसे ही करना। फिर अब यहाँ पे हम 18 फंदे बनाएंगे, 1 फंदे इससे लेंगे। पहले हमने 20 बनाए, फिर 19, फिर 18, ऐसे से एक एक फंदा कम होता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम आगे की साइड आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हम 18 फंदे बनाएंगे, एक एक फंदे हमारे कम होते हुए चले जाएंगे। बस इतना ही ध्यान देना है आपने, 1 फंदे इस सिलाई से हम लेंगे, 1 फंदे उस सिलाई से, बीच में हमने 2 फंदे कम करने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों साइड से बना लिया है। यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि आपने यहाँ पे 44 फंदे उठा के फिर सेंटर से हमने ये 2 फंदे का 1 2 फंदे का 1 4 फंदे छोड़ के, मतलब 2 2 फंदे हमने ये कम करते हुए लास्ट में जब हमारे 1 फंदे बचते हैं तब हमने इसको बंद कर दिया। और दोनों साइड से आपने सेम ऐसे ही बनाना था, ये देखिए इस साइड। अब इसको हमने फोल्ड करना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम ग्रीन कलर लेंगे, ठीक है। ग्रीन कलर देखिए, हमने ये रेड और ग्रीन लिया है तो यहाँ पे अब हम ग्रीन कलर लगाएंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, सिलाई लेनी है और फंदे को हमने यहाँ से उठाना है। अब देखिए, हम इस कॉर्नर से फंदे को उठाएंगे तो इसको हम चलिए यहीं पे नोट लगा देते हैं, ठीक है, यानी गांठ लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने ये यहाँ पे गांठ लगा दिया। अब यहाँ से हम एक एक फंदे करते हुए यहाँ तक फंदे लेंगे, जिसके लिए हमने फंदे लेने हैं। देखिए फंदे कैसे हमने उठाना है, 1 फंदे हमारे रेड के आ गए हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ऐसे ही एक एक चैन में आपने एक एक फंदे जो हमारी बुनाई है उनमें से लेते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने एक एक फंदे करते हुए पूरा लास्ट तक जाना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ लास्ट तक फंदे को उठा के आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टोटल 80 फंदे उठा लिए हैं, ठीक है। एक एक चैन से करके आपके 82 भी फंदे हो सकते हैं। 1 2 फंदे कम है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे टोटल 80 फंदे उठाए। अब देखिए, दोनों साइड से इसको हमने
उल्टा उल्टा बना के फ्रेंड्स, हमने इसको दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के 2 से 3 इंच चौड़ी इसको बनानी है, ठीक है। यानी 8 से 10 सलाई हमने इसको बनाना है दोनों साइड से। इसमें फंदे को घटाना बढ़ाना नहीं है, सिर्फ दोनों साइड से उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं दो अंगुल, फिर आप लोग को दिखाते हैं। फंदे उठाने के बाद आपने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टोटल 10 सलाई बना के ये कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड से हमने यहाँ पे उल्टा उल्टा बना के ये 10 सलाई कंप्लीट किया है। और 11वीं सलाई पे पीछे की साइड से हमने सभी फंदे को बंद कर लिया है। तो फंदे बंद करना हमने आप लोग को कई बार बताया है, जैसे हम फंदे बंद करते हैं सेम वैसे ही बंद करना। उसके बाद देखिए हमने सारे फंदे बंद करके फिर हमने देखे फ्रेंड्स, यहाँ से कॉर्नर से 6 फंदे उठा के और मैंने ये पट्टी बना ली है बांधने के लिए। अब मैं एक पट्टी एक साइड का बना ली हूँ, एक साइड का आप लोग को बताऊँगी कि पट्टी हमने कैसे उठाने हैं। तो चलिए पट्टी हमने यहाँ पे उठाना है, ठीक है। पट्टी के लिए हमने सिर्फ 6 फंदे लेने हैं फ्रेंड्स। इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे हरे कलर को लेना है और यहाँ से हमने देखिए पट्टी को 6 फंदे उठा के पट्टी बनाना है। आप 8 भी फंदे कर सकते हैं लेकिन 6 फंदे सफिशिएंट है। तो देखिए 1 हो गया 2 3 4 5 और 1 6 6 फंदे। आप यहाँ पे नोट लगा के फंदे उठाएं। हमने ये एक्स्ट्रा फंदा लेके डबल डबल फंदे, मतलब ये धागा उठा लिया, ये बुन देंगे हम तो ये पक्का हो जाएगा। अब इसको हमने दोनों साइड से देखिए फ्रेंड्स उल्टा उल्टा बनाकर इस पट्टी को हमने कंप्लीट करना है दोनों साइड से। अब देखिए इसको हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा, या तो आप दोनों साइड से उल्टे सीधे बना लें, मतलब दोनों साइड से सीधा सीधा या उल्टा उल्टा, या आप एक सीधा एक उल्टा, जैसे भी आप डोरी बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। तो इसको हम देखिए दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम इसको 8 से 10 इंच की लंबी पट्टी तैयार करेंगे डोरी के लिए। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसकी डोरी बना के कंप्लीट कर ली है दोनों साइड। ये देखिए अच्छा से बन के आया है, इसकी डोरी भी बन गई है। अब हम यहाँ पे फ्लैप बनाएंगे, हैट का डिजाइन का जो आगे का होता है फ्लैप, उसको हमने बनाना है। तो इसको इसके लिए आपने क्या करना है, इसको आपने आगे वाले पार्ट को फोल्ड कर लेना है बराबर। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड किया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे आपने मार्कर लगाना है। मार्कर के लिए आप सेफ्टी पिन ले लें या आप ऊन का भी मार्कर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास सेफ्टी पिन था तो मैंने ऐसे यहाँ पे मार्कर के लिए लगा दिया है, क्योंकि हमने दोनों साइड फंदे सेम लेने हैं, ठीक। अब हम ये ग्रीन कलर से इसका फ्लैप भी बनाएंगे, क्योंकि हमने ये रेड कलर का रखा है तो ये डोरी और आगे का फ्लैप ग्रीन कलर का बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत इजी है बनाना, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए हमने ये वाला जो पार्ट हमने बनाया था, इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से हमने देखिए ये 7 लाइन, जब आप लोग बनाएंगे तो ये काउंट करेंगे तो इधर से भी 7 और इस साइड से भी 7, आप ऐसे काउंट करके बनाएंगे तो ये बराबर रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से हमने ऐसे सुई को डालना है, अरे सलाई को, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे फंदे उठाएंगे, उसको हमने ऐसे कर लेना है डबल।
यहाँ से देखिए जहाँ तक पिन लगा है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक हमने टोटल 25 फंदे उठाने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 फंदे उठा लिए हैं, 22 फंदे और उठाएंगे ऐसे ही एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 25 फंदे उठाए, यानी 25 फंदे। पिन को यहाँ से हम निकाल देते हैं। अब यहीं से हमने देखिए टोटल 25 फंदे हमने उठाने हैं फिर से, ठीक है। यानी दोनों साइड हमने बराबर में हमारा ये 25 फंदे होना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये देखिए 10। और यहाँ से लेके हमने यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे आप काउंट कर लेंगे 7 लाइन से। यहाँ से लेके 7 लाइन तक अभी हमने 15 फंदे और उठाने हैं। देखिए आप चाहें तो ऐसे मार्कर के लिए सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी हम उठा लेते फंदे, हमारे टोटल 50 फंदे हो जाएंगे। 25 इस साइड से हमने सेंटर तक उठाया और 25 फंदे यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ पे हमने टोटल 50 फंदे उठा लिए हैं। अब हम पहली सलाई ये पीछे की साइड से सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये 50 फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाकर आगे की साइड आते हैं, फिर आप लोग को बताएंगे कि ये फ्लैप आगे का ये कैसे बनेगा। तो पहले हमने जो फंदे उठाए हैं सभी फंदे को हम पीछे की साइड से बना के आगे की साइड डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको पीछे की साइड से सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाकर आगे की साइड आ गए हैं। अब आगे की साइड से हमने पहले फंदे को एज इट इज उतार लेना है, अब बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। हम लास्ट तक बना के जाएंगे जब तक हमारे दो फंदे ना रहे हैं। हम यहाँ तक बना के आते हैं दो फंदे छोड़ के, बस दो फंदे छोड़ना है, बाकी हमने सभी फंदे को बना लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पे दो फंदे छोड़ दिए, इसको हमने नहीं बनाना है। फिर हम सलाई को पलट लेंगे अपनी साइड। अब यहाँ से हम दो फंदे छोड़ के बाकी के फंदे को हमने बना लेना है। ऐसे ही हमने ये बनाना है, इधर से दो फंदे छोड़ना है, दो फंदे उस साइड से छोड़ना है। तो चलिए यहाँ लास्ट तक आते हैं दो फंदे तक, तब बताते हैं आप लोग को। देखिए दो फंदे यहाँ पे रह गए हैं, अब इसको हम नहीं बनाएंगे। फिर से हम ऊन को आगे की साइड लाएंगे, सॉरी ऊन हमारा पीछे की साइड रहेगा क्योंकि हमने सीधा बनाना है। दो फंदे देखिए हमने इस साइड छोड़ा, दो फंदे इस साइड, ऐसे ही हमने ये फंदे को दोनों साइड से दो दो फंदे छोड़ते हुए जाना है। बाकी के फंदे को हम बनाएंगे। फिर से अभी आएंगे तो हम उधर साइड दो फंदे छोड़ेंगे, दो फंदे इधर साइड छोड़ेंगे। जब हमारा सेंटर में 20 फंदे रह जाए तब तक हमने दो दो फंदे छोड़ने हैं। तो चलिए हम बना लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाएंगे कि दो दो फंदे हमने कितनी बार छोड़ा है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे 16 फंदा रह गया, दो दो फंदे छोड़ते हुए। यहाँ पे देखिए 16 फंदा, जैसे यहाँ पे हमने देखिए ऐसे दो दो पेयर के हिसाब से फंदे छोड़ते हुए 16 फंदे छोड़ दिए हैं। और इस साइड भी हमारे दो दो फंदे छोड़ते हुए 16 फंदे हैं टोटल। सेंटर में बीच में हमारे यहाँ पे 18 फंदे, 16 इधर 16 इधर 18, बीच में टोटल हमारे यहाँ पे 50 फंदे थे, तो बीच में 18 फंदे हैं। अब देखिए हमने क्या करना है फ्रेंड्स, 16 फंदे लेते। अब हमने जैसे हमने दो दो फंदे छोड़े थे फ्रेंड्स, अब ऐसे ही ये ध्यान से देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे दो दो फंदे छोड़े थे, अब इन्हीं में से हमने दो दो फंदे लेते हुए बनाना है। यहाँ पे देखिए दो फंदे हमने 16 वाले में से ले लिया, ठीक। अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे, सलाई को अपनी साइड पलटेंगे। जैसे हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
दो फंदे छोड़ रहे थे, अब दोनों साइड से दो दो फंदे लेते हुए बनाएंगे, तब ये फ्लैप हमारा बहुत अच्छा बन के आएगा। देखिए दो फंदे हमने ले लिए, बाकी के फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा एक बार, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने दो फंदे इधर से लिए और 18 फंदे यहाँ का। अब देखिए फिर से हमने 1 2 3 4 5 6 7 अब देखिए दो फंदे हम इधर से ले लेंगे, जैसे दो दो फंदे हम छोड़े थे, अब दो दो फंदे हमने दोनों साइड से लेते हुए बनाना है। देखिए 1 2 जो छोड़ा था उनमें से हमने लिया। फिर हम सिलाई को अपनी साइड पलट लेंगे, फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, वैसे ही आपने ये पूरा कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स फिर से हमने इतना बना लिया जितना हमने बनाया था। अब यहाँ से हम देखिए दो फंदे फिर से लेंगे। बस आप लोग अच्छे से अब समझ गए होंगे, हमने ये बता दिए दो फंदे हमने बस लेके इधर के फंदे को अभी नहीं बनाना है, सिर्फ दो दो फंदे बनाने हैं, ठीक है। फिर से अब हम बाकी के फंदे को सीधा सीधा बना के कंप्लीट करेंगे और उस साइड से जो हमारा इतना फंदे हम बना लेंगे, फिर यहाँ से ये दो फंदे लेंगे, फिर इस साइड आएंगे दो फंदे, ऐसे ऐसे करके हम लें लास्ट तक पूरे फंदे को बना लेना है। तो चलिए इतना कंप्लीट करके फिर आप लोग को दिखाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमने ये दोनों साइड से पूरे दो दो फंदे लेते हुए पूरा ये फंदा कंप्लीट कर लिया। अब जितना हमने उठाया था फंदा हमारा एक ही सिलाई में ये पूरे 50 फंदे आ गए। इस फंदे को हमने क्या करना है, बंद करना है। तो चलिए हम इसको बंद कर लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं सिलाई कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स हमने इसके सारे फंदे को बंद कर लिया है। फंदे को बंद करने के बाद हमने देखिए यहाँ पे सुई में धागे को डाल लिया है। अब देखिए अब इसकी हमने सिलाई करनी है। सिलाई आपने देखिए कैसे करनी है, एकदम बराबर में फ्रेंड्स आपने इसकी सिलाई करनी है। एक एक चैन में एक एक फंदे को दोनों बराबर ऐसे लेके ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा आगे की साइड से, तो ऐसे ही हमने ये सिलाई बराबर में करना है ऐसे पकड़ के। ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना है सिलाई, बस धीरे धीरे ऐसे ही। देखिए जब हम ऐसे सिलाई करेंगे तो इसका देखिए ऐसे फ्लैप बन के आएगा। तो चलिए हम सिलाई कर लेते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसकी हमने स्टिचिंग कर दी है यहाँ पे, जिसके सिलाई करने के बाद ये कुछ ऐसा आएगा बन के। तो कितना खूबसूरत इसका फ्लैप बन के आया देखिए, कितना इजी है बनाना फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। आप इसको बचे हुए ऊन से बना सकते हैं या तो आप सिंगल कलर में भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए इसका लुक कुछ ऐसे बन के आया है, कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए ये हमने 3-ply के ऊन से बनाया फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है, क्लियर नहीं आ रहा है। लेकिन आप नॉर्मल ऊन से बनाएंगे तो उसमें बहुत ही अच्छा ये डिज़ाइन बन के आएगा। बस कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा, वैसे बहुत ही प्यारा लगता है ये 3-ply ऊन का, एकदम सॉफ्ट भी रहता है और जल्दी बनता भी है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें, ये मैंने 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बनाया हुआ है। तो
तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।